हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये वाला पैटर्न बनाना सीखेंगे। ये पैटर्न आप किसी भी स्वेटर में बनाएं, बहुत अच्छा लगेगा। कार्डिगन के लिए एकदम से परफेक्ट है। ये देखिए, ये इसकी रॉन्ग साइड है, ये इसकी राइट साइड है। वैसे तो ये 4 सिलाई का पैटर्न है, लेकिन स्टार्टिंग में इसमें हमें 6 सिलाई बनानी होती है, उसके बाद 4-4 सिलाई पर बनता जाता है। शुरू में 2 सिलाई हमें बेसिक रो बनानी होती है और 4 सिलाई पैटर्न की। तो इस तरह से शुरू में 6 सिलाई और उसके बाद 4-4 सिलाई में ये बनता जाता है। और ये 7 फंदों का पैटर्न है, इसके लिए हमें फंदे चाहिए। 7 के मल्टीपल में 4 फंदे हमें इसमें ऐड करने हैं। तो ये पैटर्न हमारा इस तरह से सेट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 25 स्टिचेज लिए हैं, 7 + 7 + 7, 21 + 4, 25। तो ये राइट साइड है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 2 बेसिक रो बनाते हैं, उसके बाद 4 सिलाई पैटर्न की होगी। ये जो स्टिच है, ये मैंने इस तरह से वो कर लिया, स्लिप कर लिया पर्ल वाइज। उसके बाद 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब 6 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए, ये जो शुरू के 4 फंदे हैं, ये तो पैटर्न को इक्वल करने के लिए हैं। पैटर्न यहाँ से शुरू होता है। ये जो एक फंदा उल्टा बुना हमने, ये और 6 फंदे ये सीधे, तो ये 7 फंदे हुए। यही 7 फंदे इसमें आगे रिपीट होंगे। एक फंदा उल्टा, 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और लास्ट में एक फंदा उल्टा और 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, और जो स्टिच है वो हम उल्टा बुनेंगे। तो फर्स्ट रो हो गई हमारी बेसिक रो। सेकंड बेसिक रो जो जैसा दिखेगा वैसा ही बुनेंगे, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, 4 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4। जो एक फंदा हमने उधर उल्टा बुना है वो यहाँ सीधा बुनेंगे, और जो फंदे हमने उधर उल्टे बुने हैं, सीधे बुने हैं, वो इधर उल्टे बुनेंगे। तो ये सिलाई मैं बना लेती हूँ। देखिए, 2 बेसिक रो मैंने बना ली है। अब 2 रो और हमें सेम बनानी है, लेकिन वो पैटर्न की रो होंगी। जैसा दिख रहा है वैसा ही बनाएंगे हम, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, और इधर भी सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। तो ये 2 सिलाई भी मैं बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 4 सिलाई हो गई है, जिसमें 2 बेसिक रो है, ये देखिए, और ये रॉन्ग साइड से देखिए। अब यहाँ पर हम 5वीं सिलाई बना रहे हैं, इसमें ये पैटर्न चेंज होगा। देखिएगा, फर्स्ट स्टिच मैंने स्लिप कर लिया। ये 4 सीधे फंदे हैं, इनमें से 3 बुनेंगे, 1, 2, 3। इस फंदे को अभी छोड़ देंगे। यहाँ से हम ऊपर से 4 होल गिनेंगे, 1, 2, 3, 4। इस चौथे होल में यहाँ से हम एक लूप ड्रॉ करेंगे, इस तरह से उतना ही लॉन्ग रखेंगे जितना यहाँ तक आएगा। उसके बाद ये फंदा सीधा बुन लेंगे, धागा आगे करके ये उल्टा फंदा उल्टा ही बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, ये फंदा सीधा बुन लेंगे, और उसके बाद फिर इसी वाले होल में से एक लूप ड्रॉ करना है फिर से। इस तरह से इसे थोड़ा सा लूज कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ 4 फंदे सीधे बुनने हैं, 1, 2, 3, 4। फिर से यही करेंगे, ये फंदा छोड़ेंगे और यहाँ से 1, 2, 3, 4 चौथे होल में लूप ड्रॉ करेंगे यहाँ से ऐसे, और ये फंदा सीधा बुनेंगे, ये फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे,
और फिर से वहीं से एक लूप ड्रॉ करेंगे। से थोड़ा सा लूज कर लेंगे इस तरह से। अब चार फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार, फिर से वैसे ही करेंगे, छोड़ देंगे, एक दो तीन चार, चौथे होल में यहाँ सिलाई डालेंगे, एक लूप ड्रॉ करेंगे, ये सीधा बुनेंगे, ये उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर यहीं से लूप ड्रॉ करेंगे, और अब ये लास्ट में तीन फंदे हैं ये सीधे बुनेंगे, एक दो तीन, और जो स्टिच है वो उल्टा बुनेंगे। ये देखिए पांच सिलाई हो गई है, रो सिक्स। ये हमने स्लिप कर लिया यहाँ पर, ये तीन फंदे हमने उधर सीधे बुने थे, अब यहाँ पर दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक और ये दो। अब ये फंदा जो है इस तरह से, और ये लूप वाला फंदा इस तरह से, इन दोनों को सिलाई पर ऐसे ले लेंगे और इस तरह से दो का एक बनाएंगे, ऐसे ये फंदा उल्टा बुनेंगे और ये सीधा फंदा ये सीधा ही बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे धागा आगे ही रखेंगे। अब ये लूप और ये फंदा ये इस तरह से दोनों का एक बना लेंगे। अब बीच में कितने फंदे, एक और ये दो, दो फंदे उल्टे बुनेंगे। अब ये फंदा और ये लूप वाला फंदा इस तरह से सिलाई पर लेंगे और इन्हें इन दो का इस तरह से एक बना लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, और ये लूप वाला फंदा और ये फंदा इन दो का एक बना लेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे। अब ये फंदा और ये फंदा इस तरह से सिलाई पर लेंगे, फिर वापस सिलाई पर लेंगे और इन दोनों का एक बना देंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा, और ये लूप वाला और ये फंदा दो का एक बना लेंगे, और यहाँ पर दो फंदे उल्टे बुनेंगे और जो स्टिच है वो सीधा बुनेंगे। तो देखिए हमारा एक पैटर्न ये बन गया है, दो सिलाई में बेसिक रो थी, चार सिलाई का ये पैटर्न है। अब मैं आपको अगला पैटर्न बना के दिखाती हूँ, अगली चार सिलाई में कैसे बनती जाती है। ये देखिए अगला पैटर्न शुरू हो गया है, फर्स्ट रो है, यहाँ पर वैसे ही ठीक चार फंदे सीधे बुनेंगे, दो तीन चार, धागा आगे करेंगे, ये उल्टा फंदा है ये उल्टा ही बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, छह फंदे बीच में सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी, उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा, छः फंदे सीधे एक फंदा उल्टा, छः फंदे सीधे एक फंदा उल्टा, लास्ट में चार फंदे सीधे और स्टिच उल्टा। फर्स्ट रो हो गई है अगले पैटर्न की, सेकंड रो जो जैसा दिख रहा है वैसा ही बुनेंगे, उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा, चार फंदे उल्टे एक सीधा, छः फंदे उल्टे एक सीधा, छः फंदे उल्टे एक सीधा, फिर लास्ट में चार फंदे उल्टे। दो सिलाई हो गई है, अब ये तीसरी सिलाई है, यहाँ पर पैटर्न चेंज होगा, ये मैंने स्लिप कर लिया पर्ल वाइज, धागा पीछे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने ये बनाया था, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन, एक फंदा छोड़ेंगे और यहाँ से चार होल गिनेंगे, एक दो तीन चार, चौथे होल में यहाँ से एक लूप ड्रॉ करेंगे, फिर ये फंदा सीधा बुनेंगे और धागा आगे करेंगे, ये फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, ये फंदा सीधा बुनेंगे, फिर वहीं से एक लूप ड्रॉ करेंगे इस तरह से,
बीच के चार फंदे सीधे बुन लेंगे। अब ये पूरी सिलाई वैसे ही बनेगी जैसे हमने पहले बनाई थी, तो ये मैं बना लेती हूँ, सेम वैसे ही बनेंगे सब। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तीन सिलाई हो गई है। अब चौथी सिलाई है रॉन्ग साइड पर, ये वैसे ही बनेगी जैसे हमने पहले छठी सिलाई बनाई थी। अब यहाँ पर हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे, दो फंदे उल्टे बुन लिए, ये वाला फंदा और ये लूप वाला फंदा, इस तरह से सिलाई पर लेंगे, फिर वापस इन्हीं सिलाई पर लेंगे और इन दो का एक इस तरह से बना देंगे। एक फंदा उल्टा बुनेंगे, ये सीधा फंदा सीधा ही बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे और ये लूप और ये फंदा इन दो का एक बना देंगे, फिर बीच में दो फंदे उल्टे बुनेंगे और फिर जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है फिर वैसे ही बनता जाएगा, और लास्ट में भी दो फंदे उल्टे आएंगे और स्टिच सीधा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला पैटर्न मैंने बना दिया है, चार सिलाई हो गई है। अब यही चार सिलाई आपको रिपीट करते जाना है। स्टार्टिंग में छः सिलाई होती है, उसके बाद चार चार सिलाई में ये पैटर्न इस तरह से बनता जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। यदि अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और लाइक करके कमेंट भी करना। तो बस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।